दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आपके कमेंट आ रहे थे कि सर एक वीडियो डिक्टेशन टेस्ट पर लेकर आइए, ठीक है। और आपका जो डिक्टेशन टेस्ट है BSF RO के अंदर होने वाला है, RM के अंदर नहीं होगा ये, ठीक है। और ये होगा आपका दिल्ली पुलिस AWO TPO के अंदर, ठीक है। तो दोनों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। लाइव यहां पर मैं आपको डिक्टेशन बोलने वाला हूं, आपको कॉपी के अंदर इसको लिखकर देखना है, ठीक है। और लास्ट में अपने जो मिस्टेक्स हैं, ठीक है, मिस्टेक्स के मार्क्स अपने माइनस करके मुझे बताना है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। BSF HCRO के अंदर जो टोटल मार्क्स का आपका डिक्टेशन टेस्ट होगा वो होगा 50 मार्क्स का। और यहां पर जो मिनिमम वर्ड्स बताए गए हैं वो है 100 वर्ड्स, कम से कम 100 वर्ड्स आपको बोले जाएंगे। और जो आपकी गलतियां हैं वो दो प्रकार से यहां पर कटेंगी, ओमिशन मिस्टेक, ओमिशन मिस्टेक, फुल स्टॉप, कोमा, ठीक है। इन सभी के आपकी 0.5 मार्क्स कटेंगे। मैंने कहां पर बोला, कहीं पर बोला बोल्ड, आपने लिखा बोल्ड्स, ठीक है। तो यहां पर 0.5 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोमा, फुल स्टॉप वगैरह के 0.5 मार्क्स यहां पर कटेंगे। अगर आपने पूरा वर्ड ही गलत लिख रखा है तो वहां पर आपका 1 मार्क्स यहां पर कटेगा, ठीक है। तो मैं अप्रोक्स 100 का यहां पर डिक्टेशन टेस्ट आपको बोलने वाला हूं और वो आपको कॉपी के अंदर लिखना है। और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर यहां पर कितना रहा है। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए फटाफट से कॉपी पेन साथ लेकर। जैसे ही मैं स्टार्ट बोलूं आपको स्टार्ट कर देना है, और आराम आराम से बोलूंगा, इतनी जल्दी नहीं बोलूंगा, ठीक है। जहां पर फुल स्टॉप बोलूं वहां पर आपको फुल स्टॉप लगाना है, और बाकी अपनी खुद की ही अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए यहां पर। चलिए भाई स्टार्ट। द ऑनगोइंग हियरिंग बिफोर ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द नीड टू हैव ए न्यूट्रल मैकेनिज्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, रिपीट, इलेक्शन कमिश्नर्स रेजिज इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस ऑन द इलेक्शन बॉडीज फंक्शनल इंडिपेंडेंस फुल स्टॉप. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ओपन ब्रैकेट में ECI कैपिटल लेटर में होगा और ओपन ब्रैकेट में होगा. हैज जनरली एंजॉयड ए हाई रेप्यूटेशन फॉर होल्डिंग फ्री एंड फेयर पॉल्स सिंस द डॉन ऑफ द रिपब्लिक कॉमा ऑल्दो नॉट इम्यून टू चार्जेस ऑफ फेवरिंग द रूलिंग पार्टी कोमा रूलिंग पार्टी के बाद आएगा फुल स्टॉप कोमा नहीं फुल स्टॉप फुल स्टॉप. हाउएवर कोमा गिवन द कोर्ट्स वोकल कंसर्न
अबाउट द ईसीआईज ईसीआई कैपिटल ईसीआईज इंडिपेंडेंस कोमा द रेलिवेंट क्वेश्चन नाउ इज whether the commissioners should be appointed on the recommendation of an independent body full stop article 324(2) 2 in open bracket article 324(2) envisages A parliamentary law for the purpose law for the purpose law for the purpose comma but no law has been enacted so far, full stop.
स्टॉप। तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है डिक्टेशन। ठीक है, अब आपके सामने आएगा पहरा। ये पैराग्राफ आपके सामने है, ठीक है। हंड्रेड वर्ड्स मिनिमम आपको बोले जाएंगे। मैंने यहां पर 114, ठीक है, 114 वर्ड्स आपको बोले हैं इस पैराग्राफ के अंदर। अब आपको मैचिंग करनी है यहां पर जो आपने लिखा है, ठीक है। एक एक वर्ड यहां पर आपको मैच करना है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का सी छोटा कर दिया है तो आपको 0.5 यहां पर अपना नंबर काट लेना है। आप सभी को पता है कॉन्स्टिट्यूशन छोटे अक्षरों में नहीं होता है, ये बड़े अक्षरों में होता है। जैसे इंडिया हो गया, ये आपका फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल होता है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फर्स्ट लेटर कैपिटल, बेंच के अंदर फर्स्ट लेटर कैपिटल, सुप्रीम कोर्ट जब हम लिखते हैं तो एस कैपिटल सी कैपिटल, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ब्रैकेट्स जो मैंने आपको बोली है तो ब्रैकेट्स हैं। बॉडीज मैंने आपको बोला था, यहां पर आपने कोमा लगाकर यहां पर आपने ऐसे लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। ये सारी आपको यहां पर मिस्टेक्स अपनी मैच कर लेनी है। और अगर आपने वर्ड गलत लिखा है, पूरा वर्ड ही गलत लिखा है, तो एक नंबर काट लेना है। और जो आपकी छोटी छोटी गलतियां हैं कैपिटल स्मॉल लेटर्स की, कोमा की, फुल स्टॉप की, तो उनके अंदर आपको 0.5 मार्क्स यहां पर अपने काट लेने हैं, ठीक है। और हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके आपको बताना है कि आउट ऑफ आपके 50 कितने मार्क्स यहां पर आए हैं, ठीक है। तो ये डिक्टेशन टेस्ट था। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम 40 आउट ऑफ 50 का स्कोर यहाँ पर कर सकते हो। और आपके पास काफी अच्छा सुनहरा मौका है। अगर आपका रिटन एग्जाम के अंदर कम मार्क्स आए हैं तो आप डिक्टेशन टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये जो आज वाला जो मैंने पैराग्राफ बोला है, ये आपका द हिंदू एडिटोरियल का है, आज ही का है ये, ठीक है। तो अगर आप डिक्टेशन टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेली अपना द हिंदू एडिटोरियल में से डिक्टेशन करो। आपका कोई भाई है, बहन है, दोस्त है, उसको बोलो कि ये जो पैराग्राफ है मुझे बोले और मैं इसको लिखकर देखूंगा, ठीक है। फिर आपको बाद में उसको मैच कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ही आपकी प्रैक्टिस होगी। डेली आपको कम से कम चार पांच पैराग्राफ रोज डिक्टेट करवा कर देखने हैं, ठीक है। तो ये वीडियो था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना है और शेयर करना नहीं भूलना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।